कल एक खबर सामने आई थी, आपको याद भी होगा, हमने इस खबर को आपके सामने रखा था, विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी दी थी। दरअसल हरियाणा में जो शव रखकर सड़कों पर प्रदर्शन किए जाते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये जानकारी मिली थी कि आने वाले वक्त में कोई विधेयक आ सकता है, लेकिन अब ये जानकारी है कि हरियाणा में मृत शरीर सम्मान विधेयक पर आपत्ति जता दी गई है आने से पहले ही। जी हाँ, अभी विधेयक पर विचार ही चल रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद विधेयक पर आपत्ति जाहिर की है। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रस्तावित प्रारूपों पर एतराज जताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फाइल वापस लौटाकर अध्ययन करने के लिए आदेश दे दिए हैं। विधेयक लाने से पहले पूरी जानकारी जुटाना भी जरूरी है, अनिल विज ये बात कहते नजर आए हैं। इस पूरी खबर को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र, इस पूरे विधेयक के बारे में जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जिस पर विचार फिलहाल चल रहा है। जैसे इसके बारे में चर्चा शुरू हुई उसके बाद अपडेट यह आता है कि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को एतराज है कुछ पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स क्या हैं, क्यों इस विधेयक की जरूरत आन पड़ी है, आने वाले वक्त के लिए ये विधेयक किस तरह से आ सकता है, एतराज क्या है, सब कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल कमल, हमने खबरें अभी तक के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को कल ये जानकारी दी थी कि इस प्रकार का एक मसौदा, एक विधेयक जो है तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष जब ये फाइल पहुंची तो उन्होंने इस फाइल को वापस कर दिया है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनिल विज की तरफ से ये कहा गया है कि इस फाइल का अध्ययन करना ज़रूरी है कि इस प्रकार का कानून जिन प्रदेशों के अंदर पहले से ही है वहाँ इस कानून के आने को लेकर के किस प्रकार के प्रभाव रहे हैं, जनता का किस प्रकार का रिएक्शन रहा है। क्योंकि एक मानवीय भावना है कि अगर कोई व्यक्ति शव को रख कर के प्रदर्शन करता है तो एक बड़ी मजबूरी की स्थिति होती है जब इस प्रकार का कोई प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। ये कोई भी व्यक्ति किसी अन्य वजह से ऐसा नहीं करता, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी का शौक इस प्रकार का नहीं होता, किसी का इंटरेस्ट इस प्रकार का नहीं होता, किसी परेशानी में ही इस प्रकार का फैसला जो है वो परिजनों की तरफ से किया जाता है। हाल ही में हमने देखा था अंबाला के अंदर भी एक मामला आया था, एक चालक की हत्या कर दी गई थी, रोडवेज का वो चालक था और उसका शव रख करके प्रदर्शन जो है किया गया था। इससे पहले भी कई मामले देखने के लिए मिलते हैं जब नाराज परिजनों की वजह से या फिर किसी ऐसे घटनाक्रम की वजह से कोई हत्या हो जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद इस प्रकार के प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं विषयों पर गहन अध्ययन करने की बात जो अनिल विज की तरफ से कही गई है इस फाइल को लेकर के, और इसीलिए इसको वापस कर दिया गया है। कमल, इस प्रकार का कानून राजस्थान के अंदर पहले से ही है और इस कानून का भी वहां पर विरोध हुआ था जब इसे लाया जा रहा था। जुर्माने से लेकर के सजा तक का प्रावधान जो है वो इस प्रकार के घटनाक्रमों में रखा गया है जहाँ शव को रख करके प्रदर्शन किया जाता है, और राजस्थान में इसका विरोध देखने के लिए मिला था। इसी प्रकार के तमाम अध्ययन को करने की बात गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कही गई है कि ये तमाम अध्ययन किए जाएं कि राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, जनता का किस प्रकार का रिएक्शन होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये शौक कम से कम नहीं है कि वो इस प्रकार से किसी मृत शरीर को लेकर के प्रदर्शन करे, उसकी भावनाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसके जो भी दुष्प्रभाव हैं और पब्लिक का जो रिएक्शन है उसको ध्यान में रख करके और जिन प्रदेशों में इस प्रकार का कानून है उसका अध्ययन करने के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाए, इस विचार के साथ कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस फाइल को वापस कर दिया गया है। जी जितेंद्र, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर जानकारी विस्तार से देने के लिए। आपने ठीक कहा कि राजस्थान में जब इस तरह का पहले से ही विधेयक पारित होकर एक्ट बन चुका है तो वहां पर रिएक्शंस क्या है, इसके बारे में जानकारी हरियाणा सरकार जरूर जुटाने वाली है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि विधेयक कब तक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं।